हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जोली। और आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट थोड़ी सी गर्मी है, बट कोई बात नहीं, चलता है। तो आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम दोनों, मानिया और मैं, थोड़ी बाहर जा रहे हैं मार्केट मेरी मंथली ग्रोसरीज है वो लाने के लिए। तो मैं यहाँ शाम की चाय बना रही हूँ और मैं मार्केट से भी आ चुकी हूँ, तो मैं सबको चाय दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो ये रहा मेरा ग्रोसरी का सारा सामान, तो मैं एक बार इन सबको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये मसूर की दाल, अरहर की दाल है ये, और ये डिशवॉश बार, ये पाउडर मानिया के लिए एक घी लाई थी, ये चाय पत्ती, सूजी और ये कॉम्बो पैक मिला, और ये सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, और ये बिस्कुट मैंने अभी निकाला था चाय के साथ देने के लिए, और ये काला चना और ये काबुली चना लाई हूँ। ये थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा नहीं लाई हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है। और ये है मस्टर्ड ऑयल, वहाँ पर एक और बिस्किट की पैकेट, तो यही है बस। और चीनी वगैरह वो सब है मेरे पास ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इस बार नहीं लाई हूँ, बाद में लाऊँगी। तो मैं यहाँ पहले डिनर की प्रिपरेशन कर लूँगी, उसके बाद मैं ये सारा सामान अपने जगह पर रखूँगी, क्योंकि हमारे घर में डिनर बहुत जल्दी ही करते हैं। तो आज मैं डिनर में अरहर की दाल बनाने वाली हूँ और आलू फ्राई करूँगी। तो मैंने दाल को धो लिया है, तो अब मैं इसमें अपने हिसाब से पानी डाल दूँगी। और मसाले में मैंने इसमें नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दिया है अभी। तो अब मैं इसे 2 विसल आने तक इसको बॉईल कर दूंगी। बॉईल हो चुकी है और अब मैं इसमें आलू को फ्राई करूंगी। तो यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल गरम हो चुकी है, तो मैं इसमें सूखी मिर्ची डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। देखिए आलू को मैंने इस तरह से काटा है, अब मैं प्याज को अच्छे से भून लूंगी। तब मैं आलू को इसमें डाल दूंगी, अब मैं इसमें नमक बाद में ऐड करूंगी, क्योंकि पहले ये ऐड कर दूंगी तो ये आलू टूट जाएंगे, इसलिए मैं इसे बाद में ऐड करूंगी। इसमें हल्दी डाल दिया है, तो
ये है कच्चे केले जो मैंने बॉईल कर लिया है। इसका मैं चोखा बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने प्याज और दो सूखी मिर्ची लिया है। तो मिर्ची को मैं यहाँ पर रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने मिर्ची को भी अच्छे से मैश कर लिया। उसमें प्याज डाल दूँगी और थोड़ा सा सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक, इन सबको एक साथ मैं मैश कर लूँगी। तो ये देखिए कच्चे केले की चोखा बनके तैयार है। इसके बाद मैं यहाँ ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ मिनी चॉपर में प्याज को चॉप कर लूँगी। मेरा प्याज चॉप हो चुकी है। तो मैं इसमें हल्दी और नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आलू में नमक ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये है मेरा डिनर थाली जो तैयार हो चुकी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ।
उसके बाद में हम लोग खा लेते हैं पहले। तो डिनर करने के बाद मैंने शावर ले लिया था क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गई थी। और मेरा हस्बैंड है ऊपर टहलने गए हैं छत पे, और यहाँ पर मानिया गेम खेल रही है, तो मैं भी उसके साथ बैठ गई और देख रही थी वो क्या खेल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर।